तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना अभिषेक चौधरी और वापस आ गया हूं एक और वीडियो में। तो आज भाई हमारे पास एक स्विफ्ट गाड़ी है और इस गाड़ी का भाई शीशा टूटा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं एक बार शीशा लेने और अगर मिल जाता है तो बस ये बार बार का शीशा लेंगे और आपको दिखाएंगे कि शीशे को कैसे चेंज करना है। तो चलते हैं। तो भाई पार्ट हमने यहाँ से ले लिया है और ये मारुति सुजुकी ऑटो वन है, मतलब ये स्पेयर पार्ट्स डीलर हैं बहुत बड़े। ये रहा आपके सामने पार्ट। तो ये बेसिकली सारे ही ऑथराइज्ड डीलर्स में और आफ्टर मार्केट में मारुति के जनरल पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो यहीं से डायरेक्ट लिया है और ये मेरठ प्रतापपुर में पड़ता है, हमारे घर के बिल्कुल पास था तो डायरेक्ट इन्हीं से ले लिया था। हालांकि सिंगल पीस पे अगर आप बल्क में नहीं लेते तो 273 रुपये, मतलब जो MRP थी MRP पे ही देते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देते। तो भाई अब ये तो सिंपली आप ये जैसे कि देख सकते हैं ये वाला है, तो ये पीछे से यहाँ पे इस जगह पे लग जाएगा, इस जगह पे इस छेद में पुराने वाले उसको जैसे निकल जाएगा वहाँ से और ये निकल जाएगा, तो ये तो सिंपली ऐसे ही निकल जाएगा। ये देखिए ये सिंपली ऐसे बाहर खींचने पे ही निकल गया। इसमें तीन तीन ये बेसिकली चीज़ें रहती हैं जिसमें लॉक रहता है, 1 2 3। तो अब जैसे नए वाला लगाना है तो नए वाला ऐसे फिट हो जाएगा इसमें। देख सकते हैं तीन तीन बार क्लिक हो गया, नहीं हुआ अभी, दबा दो अंदर अच्छे से। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये वाला शीशा लग गया है। नॉर्मली वैसे ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, अंदर से इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, बट अभी मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ ये हर जगह से फिक्स हो गया है। बेसिकली इनमें इसमें तीन क्लिप होती हैं, एक ये दो छोटे वाली, एक ये और फिर ये तीसरी बड़े वाली, तो ये तीनों में टक इन हो जाता है और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल हो जाता है। तो ये वाला शीशा ऐसे टूट गया था पहले, तो अभी हमने ये वाला इंस्टॉल कर दिया। 2 मिनट का प्रोसेस था, बहुत छोटा सा, और जैसा कि पार्ट्स का मैंने आपको बता ही दिया था कि हमने जेन्युइन जो ऑथराइज्ड डीलर है पार्ट्स का मारुति का ऑटो वन उससे लिया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ यार सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।